क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती है? सो शिवति टूरिज्म 300 एकड़ में रहा होता है, जिसमें एडवेंचर बोटिंग वाटर पार्क एंड एग्रो एंड एम्यूजमेंट पार्क चलाया जाता है। एग्रो में 300 मीटर लंबा जिपलाइन है, विदर्भ का सबसे बड़ा जिपलाइन शिवति टूरिज्म में चलाया जाता है। बोटिंग में गोवा और अलीबाग वाला अपन प्रोवाइड करेंगे, बनाना सोफा मोटर राइड, और वाटर पार्क में डीजे रेनडांस एंड ऑल, तो टोटल एंजॉयमेंट रहेगा। तो मौज मस्ती चाहिए तो शिव तीर्थ आइए। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे सावनेर के पास में, एक पिकनिक स्पॉट है जिसको शिव तीर्थ बोलते हैं। तो शिव तीर्थ में आज मैं आया हूँ, और चलिए अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे हैं, कैसा ये पिकनिक स्पॉट है। यह एंट्रेंस गेट है शिव तीर्थ का, अब यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं सर यहाँ पे? है सर एडवेंचर है, बोटिंग है और वाटर पार्क की सुविधा है। ओके हाँ। तो यहाँ पे नाइट स्टे के लिए भी सुविधाएं हैं क्या? नाइट स्टे के लिए भी सुविधा है, फैमिली के लिए बड़ी बड़ी रूम है, कॉटेज है। ओके तो उसके पैकेज वगैरह इस ब्रोशर में लिखे हुए हैं पूरे? हाँ सर, इसी पैकेज में। तो दोस्तों एक ब्रोशर है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ देर में दिखाऊंगा, प्रॉपर इसका तस्वीर दिखाऊंगा और पूरे पैकेज को आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या है। चलिए भैया थैंक यू। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, इनका स्टे के लिए कॉटेजेज है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि इनके कॉटेज में कैसी सुविधा है और किस तरह के इनके कॉटेज हैं। देखिए कॉटेज बाहर से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कलरफुल। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉटेजेज हैं, और जैसा कि मुझे गेट पर बताया भाई ने कि करीब 300 लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, और कॉटेज के सामने ही ज़बरदस्त एक झील है जहाँ का नज़ारा आपको मॉर्निंग में काफ़ी प्यारा लगेगा। देखिए पूरी हरी भरी, पूरा हरियाली है, और नीचे झील है, वहाँ पे लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो आगे वो भी चीज़ें मैं कवर करूँगा एकदम करीब से और आप लोगों को दिखाऊँगा। कॉटेजेस के सामने देखिए कितनी प्यारी चारपाई है, यहाँ पे देखिए चारपाई, बैठने की व्यवस्था काफ़ी अच्छा, एकदम नेचुरल माहौल यहाँ पे लग रहा है। तो एक बार फैमिली के साथ में यहाँ पे ट्रिप किया जा सकता है, ऐसा मेरा फीडबैक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ कॉटेज के अंदर में। देखिए कॉटेज में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इधर भी है 10, 11, 12, 13। कॉटेज के बाहर ही इधर देखिए पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट बाथरूम भी है, अवेलेबल है, मतलब पर्याप्त संख्या में है। आप देख सकते हैं रोप वे है, इसको अभी चालू नहीं किया है, थोड़े ही दिन में ये भी चालू हो जाएगा। झूले वगैरह का भी आनंद काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हेलीपैड भी है, यह हर फरवरी में यहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है, और यहाँ से जॉय राइडिंग भी आप कर सकते हैं 30 किलोमीटर तक का।
क्यूट खरगोश के बच्चे भी यहाँ पे हैं, खरगोश भी है। देखिए ये भाई हमारे खरगोश के साथ खेलते हुए। ये खाने का मीनू है, काफ़ी अच्छा इनका भोजन का टेस्ट मैंने किया अभी तक, तो मैंने झुनका और भाकर खाया, काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं सिंह द्वीप के। अभी मैंने अपने ब्लॉग में अपने वीडियो में आप लोगों को दिखाया वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें हमने अभी दिखाया। और यहाँ पे एक और इंजॉयमेंट आप ले सकते हैं, वो है करौके सिंगिंग का। तो दोस्तों अब करौके सिंगिंग का मैं ट्रायल ले रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने अरेंज किया है। और ये करौके सिंगिंग मैं सिर्फ अपने वीडियो में डालने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले यहाँ पे आने के बाद क्या क्या इंजॉयमेंट। ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि शिव तीर्थ में आप लोगों को किस तरीके का एंजॉयमेंट मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं हैं। हमारे साथ में ये मंगेश भाई हैं जो कि शिव तीर्थ के अटेंडेंट हैं, ये हम लोगों को पूरी सुविधाएं एक ब्रीफ में शॉर्टकट में बता देंगे। तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं? सो शिव तीर्थ टूरिज्म 300 एकड़ में होता है, जिसमें एडवेंचर बोटिंग वाटर पार्क एंड एग्रो एंड एम्यूजमेंट पार्क चलाया जाता है। एग्रो में 300 मीटर लंबा जिपलाइन है, विदर्भ का सबसे बड़ा जिपलाइन शिव तीर्थ टूरिज्म में चलाया जाता है। बोटिंग में गोवा और अलीबाग वाला फन प्रोवाइड करेंगे, बनाना सोफा, मोटर राइड, और वाटर पार्क में डीजे, रेन डांस एंड ऑल, तो टोटल एंजॉयमेंट रहेगा। तो मौज मस्ती चाहिए तो शिव तीर्थ आइए। देखिए कितना प्यारा इन्होंने बताया कि दोस्तों मौज मस्ती चाहिए तो शिव तीर्थ आइए। तो यहीं पे दोस्तों आज का ब्लॉग मैं करता हूँ कंप्लीट, और आप लोग आइए अपनी फैमिली के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, टीम के साथ आइए, और शिव तीर्थ जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।